वाराणसी के ज्ञानवापे मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह ही आमने सामने आ गए। कोर्ट ने मंगलवार को अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया था। इसके बाद अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि विशाल सिंह की शिकायत पर मुझे हटाया गया। इन आरोपों को विशाल सिंह ने खारिज कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह का आमना सामना हुआ। इस दौरान अजय कुमार मिश्रा रोने लगे। वहीं विशाल सिंह ने कहा कि मैंने अजय कुमार मिश्रा को हटाने के लिए कोई टिप्पणी नहीं की, बस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था। कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 4 की शिकायत पर अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया क्योंकि उनके साथ के लोग जानकारी लीक कर रहे थे। इस दौरान भावुक होते हुए अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं उनके आरोपों से दुखी हूँ और आत्मा से कष्ट हूँ। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे मान सम्मान से खिलवाड़ किया गया। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। मैंने बड़ा भाई मानकर उनकी हर बात मानी, लेकिन मुझे बिना बताए ही कोर्ट में आरोप लगाया गया कि मैं इनका असहयोग कर रहा हूँ। आंखों में आंसू लिए हुए पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि जिनके आदेश पर मैं कुल 12 बजे तक रिपोर्ट तक तैयार कर रहा था, उन्होंने ही कोर्ट में जाकर कहा कि मैं असहयोग कर रहा हूँ। मैं आत्मा से दुखी हूँ। मैंने कल भी खाना नहीं खाया और आज भी खाना नहीं खाया। ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा मिला है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने आगे यह भी कहा कि चाहे वादी पक्ष हो या फिर प्रतिवादी, कोई भी कह दे कि मैंने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया, मैं मुस्लिम पक्ष से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई होकर उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया है, इसलिए मेरी आत्मा को कष्ट मिला है। यह अपने होकर मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। इसका जवाब देते हुए विशाल सिंह ने कहा कि यह उनको गलतफहमी है कि मैंने उन पर आरोप लगाया, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उनके टीम के एक कैमरामैन पर आरोप लगाया गया है। ओपन कोर्ट में आरोप लगाया गया। मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सहयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में कहा था कि ठीक है, काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। सर सामने बैठ जाए, मैंने बता दें कि मैंने कहां विरोध किया है उनका। वो कह रहे हैं कि आपने एक वीडियोग्राफर अपॉइंट किया था जो बाहर मीडिया में बाइट दे रहा था और सूचनाएं लीक कर रहा था। सर 12:05 के बाद की सारी कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। अगर मैंने प्राइवेट किया था तो उनको अलग कर देना चाहिए था। 6-7 में भी मेरे साथ था, उसके पहले उसने कोई बाइट नहीं दिया है। और फिर भी अगर मैं कहता हूँ मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, अगर आप कोई बाइट दे देते हैं तो उसके लिए जो है मैं कहाँ तक जिम्मेदार हो सकता हूँ? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर कोई वीडियोग्राफर दे रहा है तो? बाहर नहीं, वीडियोग्राफर नहीं, वो हेल्पर था। अब वो आप लोगों के चक्कर में पड़ के जो है वो दे दिया जो है, उसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ रहा है। विशाल सिंह ने तो आपके कॉन्डक्ट पर सवाल उठाया है, ये गलत है।